सर अपना नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम दिप्तेश है, मैं डिस्ट्रिक्ट बदायूं से आया हूँ ओपीएस के समर्थन में। सरकार एक मंत्री या कोई विधायक बन जाता है, चार बार विधायक बन गया, चार बार पेंशन लेगा, वो बस 5 साल करेगा काम, कुछ नहीं करेगा। अगर वो 5 दिन के लिए भी मंत्री बन गया तो उसे पेंशन मिलेगी। हम यहाँ 50 साल 60 साल जब तक बुढ़ापे तक आ जाते हैं अपनी जवानी से, तब भी हमें पेंशन नहीं मिलती। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि आप 10-10, 5-5 पेंशन ले रहे हैं, और एक बुजुर्ग को जो बुजुर्ग हो जाएगा 60 साल तक, जिसने सेवा की देश की, आप उसे नहीं दे पा रहे हैं पेंशन। तो ये सरकार को सोचना चाहिए, ओपीएस को ही लागू करनी। बहुत सारी राज्यों ने किया, ये कह रहे हैं कि हमें बर्डन पड़ेगा। आप देखिए कितने सरकारी भत्ते हैं, कितने, एक एक स्क्वाड देख ली आप, मंत्री का स्क्वाड देख ली, 5-5 गाड़ियां चलती हैं उनकी। आप उतना खा रहे हैं पी रहे हैं, अभी इस अभी अखबार में भी आया, लोगों से भी पता, आरटीआई से भी पता, 15,000 रुपए का महीने का बिल मोबाइल का है भैया, 699 रुपए का 3 महीने का अनलिमिटेड है। तो आप वो यूज कीजिए ना, 15,000 दे रहे हैं उन्हें। तो ये चीज सरकार को सोचनी चाहिए, सरकार को। अगर ये सरकार नहीं करती है तो उसके विरोध में तो हम है ही, और एनडीए अलायंस ही इनके अगेंस्ट आएगा, और भारी भरकम से जी।